हेलो लवलीज, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो. वेलकम बैक टू माय चैनल. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि क्या आपने पहले कभी सूजी के पकौड़े खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और नहीं खाए तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. अभी के अभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो देखने से पहले कि आपने सूजी के पकौड़े खाए हैं या नहीं खाए. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी वांट फॉर सूजी के पकौड़े. और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में भी बहुत इजी होते हैं. झट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं. सो लेट्स सी हमें क्या क्या चाहिए. सूजी के पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी सूजी, 4 चम्मच दही, थोड़े धनिया के पत्ते और हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बेकिंग पाउडर. यहाँ पे मैंने ली है 1.5 कटोरी सूजी. अब मैं उसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज और मिर्च, हरी मिर्च. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर. अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च अगेन. यहाँ पे मैं थोड़ा हरी मिर्च को मोटा मोटा हाथ से ही तोड़ लिया था बिकॉज मेरी मम्मा को बहुत पसंद है. और यहाँ पे मैंने डाली है 4 चम्मच दही और बारीक काट रही हूँ मैं धनिए के पत्ते को, कोरिएंडर लीव्स को मैंने बारीक काट लिया. और 1 चम्मच में डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट. अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी. और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी. पानी ऐड करने से पहले हम यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने ली है लाल मिर्च, नमक और धनिया स्वाद अनुसार. थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी डाली थी, चुटकी भर हल्दी. अब इसमें मैं पानी ऐड करके मिक्स कर लूँगी. एक हमने थिक बैटर रेडी करना है इसका, और थिक बैटर रेडी करना है पानी की हेल्प से. देखिए बाइंड हो रहा है ये बैटर. बनने के बाद उसे हमने ढक कर रख देना है रेस्ट पर फॉर 10-15 मिनट्स. तब तक हम सूजी के पकौड़े बनाने के लिए तेल गरम कर लेंगे. सो गाइस, हमारा तेल भी हो चुका है गरम और सूजी का बैटर भी रेडी हो चुका है. सूजी को फूलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने उसे 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख दिया था ढक के. अब मैंने स्पून की हेल्प से ही एक एक स्पून तेल में बैटर डाला है, और देखिए उन्होंने खुद ही पकौड़े की शेप ले लिया. यहाँ पर मेरे को हाथ का भी यूज़ नहीं करना पड़ा. पकौड़ों को एक एक करके हमने निकालना है जब उनका कलर गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही आपने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेना है. गाइस, पकोड़े हो गए हैं तैयार और यहाँ हमारी चाय भी बन गई है. पकोड़े बनाते बनाते मैंने चाय भी तैयार कर ली थी. चलिए करते हैं सर्व. गर्मा गर्म पकोड़ों को हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे, और साथ ही में ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा चाट मसाला अच्छे टेस्ट के लिए, और आप इसे टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं. तो लीजिए, हमारे पकौड़े हैं खाने के लिए तैयार. देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं. That's all for today's video, and let me know in the comment what types of videos you want, and please do subscribe to my channel and share this recipe with your friends and families. बहुत ही easy recipe, और खाने में जितना ये देखने में delicious लगे उतने ही ये खाने में delicious है. And stay connected with me for such recipes, and बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है. So give it a try and stay connected. If you like the video, please give this video a big thumbs up, and let me know in the comment that what type of videos you want, and don't forget to subscribe my channel, and also please do like this video and share my channel with your friends and families. Tab tak ke liye, bye bye, take care.